यहाँ पर हमने लिए हैं 250 ग्राम करेले। तो सबसे पहले हम करेले को इस तरह से छील लेंगे पीलर से, हल्का हल्का सा ही हमें इसका छिलका निकालना है। इस तरह से बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं छील रही हूँ इसको, हल्का हल्का सा मैंने छीला है। और पानी लेंगे हम, और पानी में इस तरह से स्लाइसर से हम इसके पतले पतले इस तरह से चिप्स निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से करेले को हम इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में इस तरह से काट लेंगे। तो इस तरह से देखिए पूरे करेले को मैंने काट लिया है। और चाहे तो आप इसमें थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं जिससे इसका कड़वापन निकल जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक मैंने डाला है। और अब हम करेलों को अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ कर धोएंगे, जिससे जो पतले पतले जो इसमें बीज हैं वो भी निकल जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो हाथों से इस तरह से उसे रगड़ने से नीचे जो है बीज बैठ जाएंगे और करेले ऊपर रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ का प्याज। तो बड़े मीडियम साइज़ के प्याज को भी हमने इस तरह से काट लिया छिलके, और उसे भी इस तरह से स्लाइसर की मदद से पत्ते पत्ते उसके भी स्लाइसेस हम निकाल लेंगे। आप देखेंगे कि इस तरह से करेले बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और इसे सब पसंद से खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है और 7 से 8 बारीक कटे हुए लहसुन डाले। लहसुन हमें 8 से 9 डालने हैं अच्छे से बारीक काट कर, और थोड़ा सा हल्का सा ही हमें इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद करेलों को हमने पानी से निकाल कर थोड़ी देर के लिए रख दिया था, या आप इसे किचन टॉवल में भी फैला कर थोड़ा पोंछ सकते हैं। इससे क्या होता है, जल्दी करेले जो है वो कुक होते हैं। तो थोड़ी देर हमने, अगर पानी मौजूद रहेगा तो ये कुक होने में टाइम लगेंगे, क्योंकि हमें इसे क्रिस्पी बनाना है। तो पहले तो हम इसे इसी तरह से अच्छे से थोड़ी देर तक भून लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटे चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर। नमक हल्दी डालकर हम इसे थोड़ी देर तक सेकना है, क्योंकि मसाले हम तुरंत ही डाल देंगे तो करेले सिकने में टाइम लगते हैं और मसाले साथ में जल जाएंगे। इसलिए पहले इसे यूं ही सेके इसी तरह से, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो ये देखिए हाफ करीब ये ड्राई होने लगा, तब मैं इसमें 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटे चम्मच मैं यहाँ पे डाली धनिया का पाउडर, आधा छोटे चम्मच हमने डाला है अमचूर, और आधा छोटे चम्मच हम यहाँ पे डाल रहे जीरा पाउडर। और बस इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो गरम मसाला भी थोड़ा डाल सकते हैं। अगर आप इसी स्टेज पे थोड़ा सा अगर चीनी पसंद करते हैं तो 1 छोटे चम्मच अगर चीनी इसमें डाल देंगे तो ये बहुत जल्दी से क्रिस्पी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे चीनी नहीं डाल रही हूँ, उसकी जगह मैं आपको अभी आगे बताऊँगी कि मैं इसे कैसे अच्छे से इसमें टेस्ट इसका मीठा लाऊँगी बिना चीनी के। तो इसे अब हमें बहुत अच्छे से सीखना है टाइम देकर। तो धीरे धीरे से इसे सीखने दें, जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाए सीखते सीखते, तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगी। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। जब करेले अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे तभी हमें इस तरह से प्याज को डालना है लास्ट में। ये प्याज जो है इसमें करेले में मीठापन के साथ साथ बहुत ज़्यादा इसे टेस्टी कर देती है। और इसी तरह से प्याज को लास्ट में डालें। अब हम करेले और प्याज को एक साथ से कुक कर लेंगे। जब प्याज अच्छे से इस तरह से नरम दिखाई देने लगे तब करेले को बंद कर लें। अब देखिएगा इस करेले को सब पसंद से खाएंगे, बच्चे भी इसे बहुत पसंद से खाएंगे। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें।